क्या हुआ रे? हाँ यहाँ खड़ा हूँ, आना है तो आओ, लेकिन मैं दौड़ के भाग जाऊंगा। क्या हुआ? ओए ओए, इस बार शायद गया, खून निकल गया। 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। चलो नया जगह, नया घर, नया ब्रीडिंग बॉक्स। और तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ दीपंकर, ये संजय, हम दोनों करते हैं आप सभी को हम लोग का यूट्यूब चैनल दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। मकाओस का अंदर जो बॉन्डिंग होता है, मतलब एक मेल और एक फीमेल जब पेयर बन जाता है, उन लोगों का अंदर बॉन्ड बन जाता है, वो बहुत गहरा, बहुत डीप बॉन्ड होता है। 12 से 15 दिन अलग अलग जगह में रखना पड़ा था और आज दिन आया फिर से दोनों को एक साथ छोड़ने का। ठीक है, और अभी देखना है दोनों को चुपचाप खड़ा रह के देखना है कि इन दोनों का वाओ देखना है और वॉच करना है। देखिए 15 दिन मतलब 15 डेज का लंबा जुदाई के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल रहा है। देखेंगे इन लोगों का एक्टिविटी, एटीट्यूड, मूवमेंट, एक्सप्रेशन कैसे रहता है। और इस केज के अंदर अगर आ ही गए हैं तो बगल में हम लोगों का अफ्रीकन ग्रे का जो ब्रीडिंग पेयर का ब्रीडिंग केजेस है, मेल अकेला ही यहाँ चुपचाप बैठे रहते हैं और फीमेल नेस्ट बॉक्स के अंदर, मतलब जब ऐसे सिचुएशन आता है तभी मतलब फीमेल नेस्ट बॉक्स के अंदर अंडा लेके मतलब हैचिंग कराने में व्यस्त रहता है, इसी का यही सिम्टम्स होता है। तो थोड़ा सा चेक करके देख लेंगे, एक बार नेस्ट बॉक्स ओपन करेंगे और देखेंगे यहाँ कोई ब्रीडिंग प्रोग्रेस आया कि नहीं। और ये दोनों को देखिए, अभी एक्चुअली मैं यहाँ हूँ इसी के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, बाहर निकलने के बाद असली जो एक्सप्रेशन हम लोग देख पाएंगे। फिलहाल यहाँ फ्लैश लाइट ऑन कर लिया और धीरे धीरे ऐसे टोका लगा के, ताकि सडनली ऐसे ओपन करेंगे तो मतलब हड़बड़ी में प्रॉब्लम हो सकता है और मेरा जो गैस है नहीं, और थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी फीमेल रेडी हो रही है अंडा ले करने के लिए, बहुत ही जल्दी यहाँ से हम लोग को ब्रीड देखने के लिए मिल जाएगा। सोचा था कि कुछ मतलब 5-7 दिन हो रहा है तो अंडा आ जाना चाहिए था, फिलहाल कोई बात नहीं, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन बहुत ही जल्दी आ जाएगा। इन दोनों को अभी अकेला छोड़ना होगा। और मकाओस का अंदर जो बॉन्डिंग होता है वो बहुत गहरा होता है, मतलब बहुत ज़बरदस्त, बहुत ख़तरनाक बॉन्डिंग होता है। इतना आसानी से मतलब दूसरे किसी बार्ड्स के साथ रखने से फिर से नया बॉन्डिंग उतना आसानी से नहीं बनता है। अभी और एक जो काम करना है, यहाँ जो एक ब्रीडिंग पेयर है इन लोगों को भी ब्रीडिंग केज में छोड़ेंगे। और ये दोनों मतलब इससे पहले एक बार अंडा लेकर चुकी है, अनफर्टाइल था, लेकिन एक बार मतलब सक्सेसफुली अंडा लेकर पाई, मतलब इस साल कुछ ना कुछ रिजल्ट तो इन लोगों से हम लोगों को मिलने वाला है। फिर भी मतलब ब्रीडिंग पेयर होने के बावजूद भी ये लोग बहुत अच्छा, अभी तक एकदम फुल्ली टेम्ड है, दोनों के दोनों एकदम हाथों का ऊपर रखे ही बैठता है। आ जाओ, तो छोटा केज में जब कोई बार रहता है सडनली मतलब ऐसे करने से मतलब वो आएगा नहीं या थोड़ा सा डरेगा, मतलब थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन बड़ा केज में, बड़ा सा स्पेस में जब वही बार्ड को हम लोग छोड़ देंगे ना, तो देखिएगा वो मतलब अपना हिसाब से, अपना खुशी से वो करीब आ जाता है। ये जो बार्ड है ये अभी हम लोगों का हाथ में आ रहा है या ऐसे कंधों पे आएगा, लेकिन इसको अगर पकड़ के छोटा सा केज में डाल देंगे और केज का अंदर हाथ ले जाके कोशिश करेंगे कि उसको हाथ में लेने के लिए, तो उतना आसानी से वो नहीं आएगा। हाँ, ये दोनों आ गया, अभी बाकी है तुम लोगों का, अभी सेपरेट केज में जाना बाकी है। जोर जोर से काट रहा है, देखो काटो, गलत है ये, ये अच्छा है। क्या हो रहा है यार, हाँ आज काट रहे हो तुम मुझे, हाँ क्या हुआ? ओए, इन दोनों को बाहर नहीं निकालेंगे, एकदम ब्रीडिंग केज के अंदर ले जाके छोड़ेंगे। अरे हाथ लगाने नहीं दे रहा है, इतना गहरा दोस्ती हो गया है शायद कि हाथ लगाने नहीं दे रहा है। हाँ चलो चलो भागो, केज अंदर जाएगा, केज को एकदम अंदर ले जाके खोलेंगे, चलो जाओ। अरे इतना गुस्सा, ये तो हाथों में आता है, खाना खाता है, लेकिन केज को हाथ लगाने नहीं दे रहा है, क्या हुआ तुम लोग भी, क्या हो रहा है यार, हाथ नहीं लगाऊं,
अरे अरे दोनों मिल गए, क्या कर लिया मैंने? कल तो तुम कांधे पे आकर बैठ रहे थे, क्या हुआ? इन लोगों को अलग करना होगा, इन लोगों को अलग करना होगा, क्योंकि ये लोग ब्रीडिंग में है, ब्रीड करेगा, नया छोटा छोटा बेबी आएगा, एक साथ तुम लोगों के साथ उड़ेगा। नहीं नहीं चलो भागो, अभी 2 साल के बाद तुम लोगों का टाइम आएगा। अरे सच में डर लग रहा है, हाथ 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 सब मिलके, सब मिलके, चल चल। हाँ चल, क्या हुआ रे? ये तो फुल्ली ट्रेंड है, ये मतलब 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। मतलब कल तक तो एकदम ठीक था। अच्छा यहीं रखना है क्या? अरे केज को हाथ लगाने नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है? चलो चलो जाओ। और तो ये रहा इन लोगों का ब्रीडिंग केज, मतलब वहाँ ऊपर ऐसे नेस्ट बॉक्स तो पहले से हम लोगों ने सेट करके रख दिया है, और इससे पहले जैसे कहा कि एक बार अंडा ले कर चुकी है, लेकिन वो अनफर्टाइल था। फर्स्ट टाइम कभी कभी ऐसे होता है कि एक्सपीरियंस नहीं रहता है, प्रॉपर मेट नहीं हो पाता है, या मतलब सही से हैचिंग करा नहीं पाती है फीमेल, तो इसी के लिए कभी कभी ऐसे होता है। लेकिन उम्मीद रख सकते हैं कि इस साल कुछ ना कुछ रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। चलो बाहर आ जाओ, आ जाओ। गुड बॉय, गुड बॉय, आ जाओ। क्या हुआ? यस गुड बॉय, नया घर, नया केज, नया ब्रीडिंग बॉक्स। हाँ चलो नया जगह, नया घर, नया ब्रीडिंग बॉक्स, जल्दी से कुछ रिजल्ट करके दिखाओ। और ये जो रूम है, ये जो केज है, इसका हाइट बहुत ज़्यादा है, 17 feet ऐसे कुछ होगा, और एकदम टॉप लेवल में हम लोगों ने ब्रीडिंग बॉक्स भी सही तरीके से लगा दिया। और तो उम्मीद करते हैं इस साल मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट हम लोगों को यहाँ से मिलेगा। और बगल में हम लोगों का और एक जो ब्लू गोल्ड का ब्रीडिंग पेयर है, और उन्होंने तो शायद अंडा ले कर दी है, कुछ दिन पहले देखा था कि हाँ हाँ अंडा था, पता नहीं वो हैच हुआ कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। हाँ दोनों ही ड्रम के अंदर। हाँ और ये लोग तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है, हमेशा से मैं डर लगता है। चेक करने ही नहीं देता है। नहीं कुछ भी है, नहीं देखेंगे। ठीक है छोड़िए, देखने नहीं देगा। और जब कोई आवाज़ वगैरह आएगा तब सोचेंगे कि हाँ कुछ आया है बेबी, तो तभी फाइनल चेक करेंगे। और इस केज में यहाँ ऐसे लकड़ी का भी एक बॉक्स लगाया गया है, और ऐसे ड्राम, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये लोग ड्राम को पसंद किया था, इसके अंदर जाके ही फीमेल अंडा लेके थी, तो ड्राम को भी रखा, और ऊपर ऐसे मतलब लकड़ी का नेस्ट बॉक्स, जो पसंद आएगा इन लोगों को वहाँ जाके सक्सेसफुली ब्रीड करेगा। फाइनल एक बार देख लेने दो यार। ठीक है छोड़ो, नहीं देखेंगे। और अभी जिन लोगों को छोड़ा, क्या हुआ रे? मैं उस साइड का वीडियो बनाने के लिए आया, और ये सर में, ओ बाप रे, बहुत जोर से काटा। काटने के बाद फिर से बॉक्स का अंदर चला गया। ठीक है हाँ यहाँ खड़ा हूँ, आना है तो आओ, लेकिन मैं दौड़ के भाग जाऊँगा। हाँ क्या हुआ? अरे नहीं, मैं तो चला आया वहाँ से। ओ बाप रे, ठीक है जाओ। नहीं, अरे मैं तो जा नहीं रहा हूँ वहाँ, क्या हुआ? अरे नहीं मैं तो, अच्छा। और इस पार में
इस बार में अभी अभी जो ब्लू एंड गोल्ड का ब्रीडिंग पेयर को छोड़े हैं वो लोग तो यहाँ बैठे हैं। ओए ओए इस बार शायद गया। खून निकल गया शायद। बाप रे भयंकर। थोड़ा सा भी डर नहीं। इस बार अभी अभी जो ब्लू एंड गोल्ड का ब्रीडिंग पेयर को छोड़े हैं पहले तो थोड़ा सा टाइम लेगा थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए। और ये देखिए छुप के पीछे पीछे से फिर से आ रहा था। चलो निकल चलते हैं। खोलिए बंद कीजिए। ये रहा हम लोग का एक ब्रीडिंग पेयर और यहाँ अभी छोड़े हैं और एक ब्रीडिंग पेयर को। ये लोग तो थोड़ा सा मतलब नया केज है थोड़ा सा एडजस्ट के लिए टाइम लेगा और उसके बाद एडजस्ट हो जाएगा। और वो रहा हम लोगों का नेस्ट बॉक्स का होल। बहुत मजबूत तरीके से मतलब एकदम नीम का लकड़ी देके इस ब्रीडिंग बॉक्स को बनाया गया है। देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। और ये लोग तो अभी बाहर रहने वाले हैं क्योंकि इन लोगों का अभी बाकी है मिनिमम डेढ़ दो साल तो बाकी है। अभी 2 साल का एज हो रहा है। मिनिमम 4 साल में ब्लू एंड गोल्ड मतलब कैप्टिविटी का अगर ब्लू एंड गोल्ड होगा तो मतलब 4 साल में एडल्ट हो जाता है और ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाता है। पहले मैं भी जानता था कि 5 साल 6 साल 7 साल ले लेते हैं ग्रीन विंग के लिए मतलब रेड ग्रीन या ग्रीन विंग आप लोग को कुछ भी कहते हैं तो ग्रीन विंग मकाओ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है 5 6 साल 7 साल भी हो सकता है। लेकिन ब्लू एंड गोल्ड में मैंने प्रैक्टिकली जो देखा 4 साल में मतलब मेटिंग के लिए तैयार हो जाता है। और सक्सेसफुली ब्रीडिंग मिलने के लिए मतलब 5 साल 5.5 साल 6 साल भी लग सकता है लेकिन 4 साल का उम्र में से वो लोग रेडी हो जाता है ब्रीडिंग के लिए। मेरा ऊपर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है पता नहीं। क्या लेना है इसको लेना है। तो थोड़ी देर पहले इतना गुस्सा क्यों था। नहीं थोड़ी देर पहले इतना गुस्सा क्यों था। अच्छा काटो। क्या नाखून को उखाड़ना है। क्या गुनाह किया। और तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। मांका कहाँ है। मांका वहाँ जाके छुप गया। मतलब बारिश का मौसम है लेकिन बारिश तो बहुत ही कम हो रहा है और इतना ज़्यादा तेज़ धूप तेज़ गर्मी। मांका देखो वहाँ जाके छुप के शांति से मतलब वहाँ वो जो प्लेस है थोड़ा सा ठंडा रहता है वहाँ मतलब शेड तो बहुत ऊँचे में है और ये बहुत नीचे तो यहाँ शांति से रहता है मांका। चलो और नहीं आ जाओ तो मंका। मंका क्या हुआ। एक्चुअली एक बहुत मतलब कुछ दिन बहुत प्रेशर में था उसने ज़्यादा मतलब फार्म पे आके टाइम दे नहीं पाया इसी के लिए। और मंका तो थोड़ा सा सेंटिमेंटल है 2-3 दिन अगर मंका से नहीं मिलेंगे तो ये सेंटिमेंटल होकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद जब मैं अकेला आके फार्म के अंदर बैठता हूँ शाम के टाइम तो सारे बार तो शाम के टाइम कोई नहीं आता है लेकिन मंका एक बार आवाज़ मिल गया मंका कह के कह दिया तो मंका आ जाता है। नहीं तुम्हारा वो बिच्छू आदत अभी तक गया नहीं। ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और दूसरा फ्रेंड से उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद देखिएगा उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपेयर होगा आप वहाँ भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम यूट्यूब में हम लोग कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी दीजिए आप लोगों का मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ ख़त्म होता है फिर तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है। चलो मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। ये सब बिच्छू हो रहा है चलो जाओ। मंका क्या कर रहे तो बाय।